विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। तो हमें देखना है कि इनमें से दिए हुए एनिमल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला ऑप्शन है राउंड वर्म्स या एसके हेलमेंथेस आर स्यूडो सिलोमेट। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सही है। सेकंड है मोलस्क आर ए सिलोमेट, गलत है। इंसेक्ट आर स्यूडो सिलोमेट, ये भी गलत है। एंड फोर्थ है फ्लेट वर्म्स या प्लेटी हेलमेंथेस आर सिलोमेट, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। तो हमें देखना है कि इनमें से किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन सही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ह्यूमंस, किडनीज, सीबेसियस ग्लैंड्स एंड टीयर ग्लैंड, तो ये गलत है। अर्थवाम, फेरिंजियल, इंटिग्यूमेंट्री एंड सेप्टल नेफ्रिडिया, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन व्हेल एंड डॉगफिश के सिमिलर होते हैं किस फीचर में? देखना है। पहला ऑप्शन, पोजेस अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ले एग्स एंड गार्ड देम टिल दे हैच, ये भी गलत है। पोजेस बोनी स्केलेटन, ये भी गलत है। एंड लास्ट ऑप्शन है हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, तो ये ऑप्शन इसका सही है। इसका राइट आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनमें से किस ग्रुप के एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? पहला ऑप्शन है एसके हेलमेंथीस या राउंड वर्म्स, टीनोफोर्स, स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, तो राइट आंसर है ए। एसके हेलमेंथीस या राउंड वर्म्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इफ अ लाइव अर्थवर्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल ऑन इट्स आउटर सरफेस विदाउट डैमेजिंग इट्स गट द फ्लूइड दैट कम्स आउट इट। तो पूछा गया है, यदि हम एक जिंदे अर्थवर्म को कोई सुई से चुभो देंगे बिना उसकी गट को डैमेज किए तो उसमें जो फ्लूइड निकलेगा वो क्या होगा? सिलोमिक फ्लूइड, हीमोलिम्फ, स्लाइमी म्यूकस या फिर एक्सक्रीटरी फ्लूइड? तो इसका राइट आंसर है ए, सिलोमिक फ्लूइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जॉलेस फिशेस। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में जॉलेस फिशेस को दिया हुआ है? तो राइट आंसर है बी, लैम्प्रेस एंड हैग फिशेस आर जॉलेस फिशेस या फिर जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट्स देयर रेप्टाइलन एंसेस्ट्री। इनमें से बर्ड्स की क्या विशेषता इनके पहले रेप्टाइल होने को दर्शाती है? टू स्पेशल चैम्बर क्रॉप एंड गिजार्ड इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एग्स विद अ कैलकेरियस सेल, स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स या फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट। तो राइट आंसर है सी, स्केल्स ऑन देयर हाइंड लिम्स। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम एंड मेटामेरिज्म, अब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म या फिर प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम नॉर मेटामेरिज्म। तो राइट आंसर है डी, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सिलोम और नॉर मेटामेरिज्म, क्योंकि एस्केरिस में ना तो ट्रू सिलोम पाई जाती है और ना ही इसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू के लिए क्या कॉमन है या फिर क्या इन तीनों में समान पाया जाता है? टूथलेस जॉस, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल, ओवोपेराइटी या फिर होमियोथर्मी? तो राइट आंसर है डी, होमियोथर्मी, ये अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश? इनमें से नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आल पोजेस डोर्सल हार्ट, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, दे आल बिलोंग टू द सेम फाइलम या फिर दे आल हैव जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिसेस? तो राइट आंसर है ए, दे आल पोजेस डोर्सल हार्ट, इन सभी में डोर्सल हार्ट पाया जाता है। बाय रेडियल सिमेट्री एंड लेक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द
करैक्टरिस्टिक ऑफ, इनमें से किस में बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और उसमें नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती है। हाइड्रा एंड स्टारफिश, स्टारफिश एंड सी एनिमल, टिनोप्लेना एंड बिरोए, ओरेलिया एंड पैरामेशियम। तो राइट आंसर है सी, टीनोफोरा एंड बिरोए में बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इनमें नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती है। टू कॉमन कलेक्टर्स फाउंड इन सेंट्रीपीड, कॉकरोच एंड क्रैबार, इनमें से कौन से दो ऐसे कॉमन कलेक्टर हैं जो कि सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब में पाए जाते हैं? बुक लंग्स एंड एंटीना, कंपाउंड आई एंड एनल सर्काई, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटीनियस एक्सोस्केलेटन, ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रिकिया। तो राइट आंसर है सी, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटीनियस एक्सोस्केलेटन, इन तीनों में पाया जाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, इनमें से कौन से ऐसे चार एनिमल हैं जो कि विविपैरा से यानी कि अंडे नहीं देते हैं, सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं? कंगारू, हेडेहॉग, डॉल्फिन, लोरिस, लोयन बैट, वेल, ऑस्ट्रिच, प्लेटिपस, पेंगुइन, बैट, हिप्पोपोटामस, स्यू, बैट, कैट, कीवी। राइट आंसर है ए, कंगारू, हेडेहॉग, डॉल्फिन एंड लोरिस। ये चारों अंडे नहीं देते हैं, चारों ही सीधे ही यंग वंस को बर्थ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, इनमें से कौन एक जीवित जीवाश्म नहीं है? पेरिपेटस, किंग क्रैब, स्फेनोडोन या फिर आर्क्योप्टेरिस। तो इसका राइट आंसर है डी, आर्क्योप्टेरिस, जो कि एक जीवित जीवाश्म नहीं है क्योंकि ये अब नहीं पाया जाता है। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, इनमें से किसमें एनुअल माइग्रेशन नहीं पाया जाता है? आर्कटिटम, सेलमोन, साइबेरियन क्रेने या फिर सेलामेंडर। तो राइट आंसर है डी, सेलामेंडर में एनुअल माइग्रेशन नहीं पाया जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या इनमें से किसमें पाया जाता है? मोलस्का एंड कॉर्डेटा, प्लेटीहेलमेंथीस एंड आर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा या फिर एनिलिडा एंड आर्थोपोडा। तो इसका सही आंसर है डी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिलिडा एंड आर्थोपोडा में पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड इट्स थ्री एग्जाम्पल, तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सी मैचिंग सही दी हुई है जिसमें कि फाइलम और उसके तीन एग्जाम्पल सही हैं। तो पहला ऑप्शन है पोरीफेरा, के एग्जाम्पल है स्पंजिला, यूकप्टेला एंड पिनाटोला, जो कि गलत दिया हुआ है। निडेरिया के बोनेलिया, साइलेशिया, ओरेलिया, ये भी गलत है। सी है प्लेटीहेलमेंथीस, प्लेनेरिया, साइसोस्टोमा, एंट्रोबियस, ये भी गलत है। एंड फोर्थ है मोलस्का, लोगिगो, टेरेडो एंड ऑक्टोपस। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है क्योंकि लोगिगो, टेरेडो एंड ऑक्टोपस ये तीनों मोलस्का से बिलोंग करते हैं। व्हाट इज कॉमन अबाउट ट्रिप्नोसोमा, नॉक्टिलुका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, इन सभी में कॉमन क्या है? दीज आर आल पैरासाइट, ये सभी पैरासाइट हैं। दीज आर आल यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। दे हैव फ्लेजिला, इनमें फ्लेजिला पाया जाता है या फिर दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, दीज आल आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, ये सभी यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्ट्रास्ट टू एनिलिड्स द प्लेटीहेलमेंथीस सो, ऐसा क्या है जो एनिलिड में पाया जाता है लेकिन प्लेटीहेलमेंथीस में नहीं पाया जाता है? अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या फिर प्रेजेंस ऑफ स्यूडोसील। तो राइट आंसर है ए, अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, प्लेटीहेलमेंथीस में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, ये ए सिलोमेट होते हैं जबकि एनिलिड में बॉडी कैविटी पाई जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला स्टेटमेंट है प्राण हैज टू पेयर ऑफ एंटीना, तो इसका पहला स्टेटमेंट ही गलत दिया हुआ है क्योंकि प्राण में केवल वन पेयर एंटीना पाए जाते हैं ना कि टू पेयर। बाकी इसके बी, सी एंड डी स्टेटमेंट सही दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज अ मैक्रो न्यूक्लियस फॉर द ट्रॉफिक फंक्शन एंड वन और मोर माइक्रो न्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन। इनमें से किस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक मैक्रो न्यूक्लियस ट्रॉफिक फंक्शन के लिए एंड एक या एक से ज़्यादा माइक्रो न्यूक्लियाई रिप्रोडक्शन के लिए पाए जाते हैं? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम या फिर ट्रिप्नोसोमा। तो इसका राइट आंसर है सी, पैरामीशियम में एक मैक्रो न्यूक्लियस ट्रॉफिक फंक्शन के लिए एंड एक या एक से ज़्यादा माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन के लिए।